हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी के 8वें पाठ शीला का साहस के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों करेंगे अब अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे बच्चों शब्द मोहल्ला। मोहल्ला का अर्थ होता है गली। शाला होता है बच्चों विद्यालय, जहां आप जाते हो पढ़ने। प्रशंसा होती है बच्चों तारीफ करना किसी की। पढ़े और समझे में बच्चों हम करेंगे कुछ शब्द है जिनको हम बोलेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों मोहल्ला, प्रशंसा, झाड़ियां, पांचवी, बस्ता। तो आपको इनको बोलना भी है साथ के साथ लिखना भी है। उचित स्थानों, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। तो बच्चों नीचे हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहां पर आएगा बच्चों शीला। शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। शीला कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं में। तो यहाँ आएगा 5वीं। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। तो यहां पर आएगा बच्चों उछलते और आएगा बच्चों कूदते। कूदते हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ कूदते लिखना है तो हम सामने लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ आ जाएगा उछलते कूदते चल रहे थे। वह गिर गया और पानी के साथ बहने लगा। प्रश्न तीसरा है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। दूर का पास यानी विलोम शब्द लिखने बिल्कुल उल्टा। आना का जाएगा बच्चों जाना, छोटे का बड़े और दिन का रात। ये बच्चों उल्टे अर्थ वाले। अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पाठशाला के रास्ते में क्या बहता था? तो बच्चों एक शब्द में देना है तो यहाँ आएगा नाला। और मोहल्ले के बच्चों को शीला और शाला तक कौन अपने साथ लाती थी? तो यहाँ आएगा शीला। मोहल्ले के बच्चों को शाला तक शीला साथ में ले कर जाती थी। तीसरा प्रश्न है, पानी में कौन गिर पड़ा? उत्तर आएगा मनीष। अब बच्चों सुंदर लेख लिखना है आपको। जैसा ये लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा आपको सुंदर सुंदर लिखना है। एक लाइन में आपको लिखकर दिखाती हूँ, फिर आपको साहब के साथ नीचे भी लिखना है। वैसे साहस से जो करता काम जग में। हो सकता है बच्चों आपकी राइटिंग मुझसे ज्यादा अच्छी हो। होता उसका नाम। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये सारा का सारा देख देख कर बोल बोल कर आपको इस तरह से लिखते जाना है। चलिए बच्चों, इस तरह से अब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों अगली वीडियो में हम 9वां पार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे भी और उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। थैंक यू।